जिसने मुझे रिजेक्ट किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार तीन बार रिजेक्ट किया। जी हाँ, जिसने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, आज वही सबसे ज़्यादा सैलरी मुझे देता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, जब मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं भी जॉब की तलाश में था, मैं इधर उधर जाया करता था, अपनी प्रोफाइल, अपने रिज्यूमे लोगों को दिया करता था, और मुझे सब एक शब्द सुनने को मिलता था, नहीं सर अगली बार ट्राई करिएगा, अभी सर हम आपको कॉल कर देंगे आपको। मैं समझ जाता था कि यहाँ पे मेरा दाल गलने वाला नहीं है, यानी यहाँ मेरा होने वाला नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ, जिस दिन जिस समय उस कंपनी ने मुझे तीन बार, मैं तीन बार गया उस कंपनी के पास मैं तीन बार गया, और मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, वजह आप समझ सकते हैं कि नाम बताने से कहीं ना कहीं कुछ कई लोगों को तकलीफ़ भी होगी, और ये उचित नहीं है। मकसद क्या है वो आप समझ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। जब मैं तीन बार गया, तीसरी बार मैं गया, तो मैंने ये ठान लिया कि अब आज के बाद मैं इस कंपनी के पास कभी नहीं आऊँगा। इस कंपनी में कितना भी सैलरी ऑफ़र हो जाए, मैं जॉब के लिए नहीं आऊँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि कंपनी, जब मैं दूसरे जगह काम करने लगा, दूसरे जगह वर्क करने लगा, तो कंपनी अपने लोगों से पता की, और उसके बाद अलग अलग तरह के हमें लुभावने ऑफ़र देने लगी। जिस दिन मैं आपके पास आया था, उस दिन आपने मेरा कदर ही नहीं किया। जिस दिन मैं आपके पास था, उस दिन आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। मैं कहता रहा कि सर प्लीज़ एक बार तो कंसिडर करिए, एक बार तो मौका दीजिए, लेकिन आपकी जो सोच थी, अब क्या कंपनी गलत थी यहाँ पर? जी क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या कंपनी गलत थी या वह पर्सनल, वह व्यक्ति गलत था जिसने रिजेक्ट किया? लेकिन ना तो वह व्यक्ति गलत था, ना तो वह कंपनी गलत थी, मेरा वक्त बुरा था। और ये समय आपके साथ भी आ रहा होगा, आपके साथ भी इस तरह की सिचुएशंस आ रहे होंगे, या तो कुछ दिन से आप बैठे हों, या फिर इस समय जो कोरोना ने दिखाया, तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना मैं बखूबी समझ सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिसने मुझे तीन बार रिजेक्ट किया, आज वो कंपनी मुझे छोड़ने का नाम नहीं लेती। मैं उसे रिज़ाइन भी करता हूँ कि सर नहीं काम कर पाऊँगा आपके साथ, तो कहती है कोई बात नहीं सर, आप रहेंगे हमारे पास, छोटी सी सैलरी है मैं देता रहूँगा, बस आप जहाँ भी रहेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बस उसको सॉल्व कर लेंगे। तमाम तरह की सिचुएशंस आती, एक्सीडेंट होता है, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, तो उनको मैनेज करना, उनको देखना, उनको सॉर्ट आउट करना, तो वो कुछ जो काबिलियत उस ऊपर वाले ने दिया, उसके वजह से वो कंपनी मुझे आज छोड़ती नहीं है। कहने का मतलब कि कंपनी मेरा चेहरा देख करके नहीं रखती। अगर आप में वो काबिलियत, वह हुनर, कोई ऐसी चीज़ अपने आप में बना लो, कोई ऐसा हुनर बना लो, दुनिया मजबूर हो जाए कि मुझे इसी बंदे को रखना है, चाहे किसी भी कीमत पर। सोचो वो कंपनी जीती या मैं, तीन बार उसने रिजेक्ट किया, और तीन बार रिजेक्ट करने के बाद आज सबसे ज़्यादा सैलरी वही कंपनी देती है। हारा कौन और जीता कौन? अंततः मैं ज़रूर उस समय हारा था, ज़रूर उस समय वहाँ जॉब न मिलने की वजह से मैं हारना तो नहीं कहूँगा, मैं कभी भी हार नहीं सकता, मैं कोशिश करता रहता हूँ, मैं बार बार गिरता हूँ फिर भी कोशिश करता हूँ, मुझे ठोकर लगेगी कोई बात नहीं, तुम ठोकर देते देते थक जाओगे, लेकिन मैं कोशिश करते करते कभी नहीं थकूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप तैयार हो जाइए, अपने मन में बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह कर गुजरना है, मुझे किसी तरह से इसको कर गुजरना है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो आपको भी इसी तरह की सिचुएशन बनेगी, आज जो आपको रिजेक्ट करते हैं ना, कल आपको वो बुलाएंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे और सही बताता हूँ, वो निश्चित रूप से आपको बुलाएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता, अब वो परख नहीं पाए, या समय का सिचुएशन जो भी कहें, या तो नकारात्मक नेगेटिव थाट या पॉजिटिव थाट, जो भी हो, मे बी, आई डोंट नो, नहीं जानता मैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, मैं क्या कहना चाहता था, बहुत सारी बातें हैं जो मैं वो पे नहीं कह सकता, आप समझ जरूर गए होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।